नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम कोई नई गोल्ड की ज्वेलरी लेने जाते हैं तो इनका चमकता हुआ गोल्डन कलर हमें आकर्षित करता है, लेकिन जब ये ज्वेलरी बनते हैं तो इनमें इतना चमक नहीं होता है और इनको चमकाने के लिए या तो छिला जाता है या तो फिर इसे घिसा जाता है। तो आइए आगे की जानकारी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सोने का काम करने वाले कारीगरों के पास प्रतिदिन जितना भी आभूषण पॉलिशिंग या फिनिशिंग के लिए आता है तो वे यह काम एक रूम में कांच के बॉक्स में बैठकर करते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने लायक यह बात है कि ज्वेलरी को चमकाने या डिजाइन करने के लिए उसे मशीन से छिला या घिसा जाता है। इस दौरान आभूषणों से बारीक बुरादा निकलता है। बुरादे का 10-20% हिस्सा यह काम करने वालों के शरीर पर चिपक जाता है और बाकी का यह कांच के बॉक्स में इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, बॉडी पर लगे हुए इस बुरादे को कारीगर एक टब में पानी से धोकर निकालते हैं और इस पानी को वे एक ड्रम में प्रतिदिन इकट्ठा करते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि ये इस पानी को इकट्ठा करके क्या करते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह इकट्ठा किए गए पानी को कारीगरों द्वारा बेच दिया जाता है और खरीदने वाले एक डिब्बे में पानी को ले लेता है और उसमें कितना सोना है उसका कैलकुलेशन करता है और इसकी कीमत पर वह पूरे पानी का कीमत लगाता है। यदि खरीदने वाले की कीमत कारीगर को जच गई तो वह पानी उसे बेच देता है, वरना दूसरे ग्राहक का इंतजार करता है। ऐसा करके प्रत्येक कारीगर प्रत्येक महीने लगभग 10,000 से लगभग 1,00,000 रुपए तक का पानी बेच देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारे वीडियोज मिलते रहें। जय हिंद।